अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए फॉर फ्यूचर अपडेट्स के लिए। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि सीबीएसई के, आपको पता है, रिजल्ट अनाउंस हो गया है क्लास 10th एंड क्लास प्लस टू के। तो उसमें काफी ज्यादा स्टूडेंट्स के कुछ की रिक्वायरमेंट्स होंगी, कुछ ने रीवैल्यूएशन फिल करनी है, तो उसके लिए ये सारी ऑनलाइन प्रोसेस स्टार्ट हो गई है। तो इसको मैं पहले मैं आपको डेट्स वगैरह बता देता हूँ। सो यहाँ पर सबसे पहले हम क्लास 10th की एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर आप ये यहाँ डाउनलोड करेंगे, फिलहाल इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिफिकेशन है, आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको लिंक मिलेगा। उस लिंक को आप क्लिक करके ये जो दोनों मैंने यहाँ सर्कुलर्स जो डाउनलोड किए हैं उनको आप देख सकते हैं, और उनको डाउनलोड करके आप अपनी ऑनलाइन रीवैल्यूएशन अप्लाई कर सकते हैं, और जो भी आपका कंपार्टमेंट वगैरह वो भी आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, शेड्यूल फॉर वेरिफिकेशन, मार्क्स ऑब्टेनिंग, फोटो कॉपी ऑफ वैलिड आंसर बुक एंड रीवैल्यूएशन एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर क्लास 10th और प्लस 2 के लिए अप्लाई का लिंक बनाएं। तो यहाँ पर 10th के लिए देख लीजिए, जो वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स होगा इसकी ऑनलाइन जो डेट है इसकी 20th जुलाई को शुरू होगा, 24th जुलाई इसकी लास्ट डेट होगी, टाइमिंग वगैरह दी गई है, और 500 पर सब्जेक्ट इसकी फीस है। ऑब्टेनिंग फोटो कॉपी ऑफ इवेल्युएट आंसर बुक, अगर आप वो लेनी है तो उसके लिए जो डेट है 4th अगस्त से 5th अगस्त है, ये 2 डेज है, इसकी फीस भी 500 रुपीज रहेगी। और अगर हम बात करें रीवैल्यूएशन की, उसकी जो डेट्स हैं 10 अगस्त से 11th अगस्त, मीन टू से 2 दिन है, शाम 5 बजे तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, इसकी फीस 100 रुपीज रहेगी। तो ये सारी प्रोसेस ऑनलाइन है। ये तो फिलहाल था क्लास 10th के लिए, ऐसे ही क्लास 12th के लिए है। क्लास 12th के लिए डेट्स अलग है। सो वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स में अप्लाई ऑनलाइन की जो डेट्स है 17 जुलाई से है और 21 जुलाई तक चलेगा, इसकी जो फीस है सेम रहेगी, ₹500 पर सब्जेक्ट। ऑब्टेनिंग फोटो कॉपी अगर है आपकी वैलिड आंसर शीट की, वो 1st अगस्त से 2nd अगस्त 2 दिन है। और यहाँ पर देखे ना, नोट भी दिया, ऑनलाइन प्रोसेस कैन बी डन ऑन हॉलीडे टू ऑल्सो, अगर हॉलीडे है तो उस दिन भी आपकी प्रोसेस होगी संडे को। इसकी फीस 700 है, वहाँ 500 थी, यहाँ 200 एक्स्ट्रा है क्लास प्लस टू का। और रीवैल्यूएशन का सेम यहाँ फीस है 100, लेकिन की जो डेट है 6 अगस्त एंड 7 अगस्त है। सो ये डेट्स वगैरह याद रखिएगा। अब देख लेते हैं इनके जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं जो हैं इनके ऑनलाइन प्रोसेस के। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर दिया, मॉडलिटीज एंड शेड्यूल फॉर सेकेंडरी स्कूल क्लास 10th एग्जामिनेशन 2020 इन द सब्जेक्ट हुज एग्जामिनेशन हैव बीन कंडक्टेड बाय सीबीएसई फॉर द प्रोसेसेस ऑफ, सबसे पहले इसमें वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स होगा, दूसरा जो है ऑब्टेनिंग फोटो कॉपी ऑफ वैलिडेटेड आंसर बुक का, थर्ड होगा रीवैल्यूएशन ऑफ मार्क्स, फर्स्ट एंड सेकंड की फीस 500 500, थर्ड की फीस 100 है। तो इसमें सबसे पहले देख लीजिए, सारी प्रोसेस ऑनलाइन है, ऑफलाइन मोड नहीं है इसका। इसके जो आप पेमेंट करेंगे क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, और प्रोसेसिंग चार्जेस शैल नॉट बी एक्सेप्टेड ऑफलाइन, ये याद रखिए। उसके लिए पोस्टल ऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट, मनी ऑर्डर, चेक कैश हो सकता है। उसके लिए अगर आपकी इनकम्प्लीट डिटेल्स है तो जो एप्लीकेंट है उसका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट किया जा सकता है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। फोर्थ पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ओनली वन एप्लीकेंट पर कैंडिडेट पर स्टेप विल बी एक्सेप्टेड इन ऑनलाइन प्रोसेस। तो ये याद रखिएगा, कैंडिडेट ने ये डिसाइड करना है, ही और शी कोई भी है, कि वो वन सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करेगा या मल्टीपल के लिए, ये पहले डिसाइड कर लीजिए। यहाँ पर इन्होंने और भी एक नोट दिया है, बोर्ड विल नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी लॉस और डैमेज और एनी इनकन्वीनियंस कॉज्ड टू द कैंडिडेट। सो उसके लिए जो भी रिविजन ऑफ मार्क्स होगी, डिले इन कम्युनिकेशन होगा, तो उसके लिए रीजन कंट्रोल्स होंगे। सो इसमें नॉट ओनली आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे, डिक्रीज भी हो सकते हैं। यहाँ इन्होंने स्पेशली देखिए इस पॉइंट को अंडरलाइन किया है, डिक्रीज इवन बाय वन मार्क शैल बी इफेक्टेड। सो ये थोड़ा याद रखिएगा। सेवन्थ पॉइंट में इन्होंने एक चीज इन्होंने बताई है, इन केस वेयर देयर इज चेंज इन मार्क्स, इंक्रीज और डिक्रीज होते हैं, सच कैंडिडेट शैल हैव सरेंडर द मार्कशीट विच इज इन देयर पोजेशन। तो वो आपको मार्कशीट देनी पड़ेगी, उसके बाद ही उनको जो नई शीट है वो इश्यू होगी। आउटकम ऑफ द वेरिफिकेशन एंड रीवैल्यूएशन विल बी फाइनल एंड बाइंडिंग। तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट देते हैं, इन केस स्टेटस ऑफ एनी कैंडिडेट चेंज टू कंपार्टमेंट आफ्टर वेरिफिकेशन रीवैल्यूएशन, कैंडिडेट नीड टू अप्लाई सेपरेटली फॉर अपियरिंग इन द कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन 2020। और जो आपकी फीस है वो रिफंडेबल नहीं है, एक बार आपकी फीस पे होगी तो होगी, उसमें कोई भी आपका रिफंड नहीं होगा। बाकी मैंने आपको जो डिटेल्स थी वो मैंने आपको बता दी है मेन। तो बाकी यहाँ पर जो गाइडलाइंस है वो आप रीड कर सकते हैं। आप देखते हैं कि अगर आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है तो कैसे करना है, तो उसके लिए आप जो लिंक है वेबसाइट पर चले जाएंगे, यहाँ पर ये लिंक जो मैंने आपको बता दी, यहाँ से आप स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे
तो लिंक्स बने हैं यहाँ से, आपने ये दोनों मैंने आपको बताई सर्कुलर्स डाउनलोड करने हैं, वहाँ से आप सर्कुलर्स डाउनलोड करेंगे और उसी के लास्ट में आपको लिंक मिलेगा अप्लाई ऑनलाइन का। तो आप अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे, ये देखिए यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन हेयर, तो उसके बाद आपका ये इंटरफेस आ जाएगा। अगर आपने पहले से अप्लाई किया और एप्लीकेशन नंबर आप भूल गए हैं तो यहाँ से फॉरगेट एप्लीकेशन नंबर पर क्लिक करके आपका जो एप्लीकेशन नंबर है वो आप रिकवर कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पर रोल नंबर चाहिए, स्कूल का कोड चाहिए जो आपके एडमिट कार्ड पर होगा, और सेंटर नंबर चाहिए जो आपके एडमिट कार्ड पर होगा। प्रोसीड करने पर आपका जो एप्लीकेशन नंबर है रिकवर हो जाएगा। नाउ अब देखते हैं प्रोसेस कि आप ऑनलाइन कैसे अप्लाई करेंगे जो भी आपने वेरिफिकेशन करनी है फोटो कॉपी या रिवेल्यूशन के लिए। सबसे पहले क्लास देख लीजिए कौन सी है, जैसे हम 10th की एग्जांपल लेते हैं, अप्लाई फॉर वेरिफिकेशन क्लास 10th पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको अभी ये एरर मैसेज आ रहा है बिकॉज यहाँ पर जो मैंने आपको डेट बताई है, डेट देखिए यहाँ पर 20 जुलाई है, और दूसरी क्लास प्लस टू की यहाँ पर इन्होंने बताई है 17 जुलाई। तो हम क्लास प्लस टू की करते हैं। सो क्लास 12th की रिवेल्यूशन के लिए हम 12th पर जो लिंक यहाँ पर है अप्लाई फॉर वेरिफिकेशन क्लास 12th, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपके जो एडमिट कार्ड पर डिटेल्स हैं वो आपने फिल करनी है, आपका रोल नंबर, आपका जो स्कूल का कोड है वो फिल करना पड़ेगा, और सेंटर नंबर, ये सारी डिटेल्स आपके एडमिट कार्ड पर अवेलेबल होंगी। ये सारी फिल करने पर आप प्रोसीड करेंगे, प्रोसीड करने पर जो भी नेक्स्ट डिटेल्स आएंगी वो आप सारी फिल करेंगे या जो आपका नेक्स्ट प्रोसेस होगा वो आप करेंगे। फिलहाल मेरे पास कोई रिवॉल्यूशन वाला केस नहीं है, ना ही कोई ऐसी डिटेल है जो मैं आपको लाइव एग्जांपल देके बताऊं, लेकिन जो मैं आपको स्टेप्स बताऊंगा वो सारे स्टेप्स सेम ही होंगे। लेकिन फिलहाल फिर भी कोई भी आप प्रॉब्लम फेस करते हैं वेरिफिकेशन फोटोकॉपी या अपनी जो भी आप यहाँ फिल करना चाहते हैं उसमें आप कमेंट बॉक्स में सारा बता सकते हैं, मैं उसका सोल्यूशन आपको ऑनलाइन ही प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद आपकी फ़ी पेमेंट होगी। फ़ी पेमेंट देखिए आपकी होगी कि आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, वेरिफिकेशन ऑफ मार्क के लिए कर रहे हैं, फोटो कॉपी ऑफ इवेल्यूएटेड आंसर बुक के लिए कर रहे हैं, रीवेल्यूशन फिल कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपकी फ़ीस होगी। फीस होने के बाद नियर अबाउट कई बार तो साथ के साथ ही फीस पे हो जाती है, लेकिन कई बार 24 to 48 hours का टाइम लगता है, तो उसके लिए फ़ी स्टेटस पर जाकर अपना फ़ी स्टेटस चेक कर सकते हैं, और एप्लीकेशन स्टेटस पर आपका एप्लीकेशन चेक हो जाएगा। लेकिन हाल कोई भी अगर आपकी फ़ीस में प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पर देखिए डिफरेंट कॉन्टैक्ट नंबर्स दिए गए हैं। अगर आप HDFC का गेटवे यूज़ करते हैं, अगर आप ICICI का गेटवे यूज़ करते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर्स दिए गए हैं विद देयर ईमेल आईडीज। आप इनको कॉन्टैक्ट करके जो भी आपका इशू है आप उनको बता सकते हैं कि सर मैंने ये फ़ीस वगैरह पे किया था इतनी डेट को लेकिन ये नहीं सक्सेसफुल हुआ। लेकिन उसके लिए आपको जो डिटेल्स मिलेंगी लाइक रेफरेंस नंबर, उसका आपने स्नैपशॉट ले लेना है। नाउ उसके बाद आप क्या करेंगे, लास्ट में एप्लीकेशन स्टेटस पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो सारी डिटेल्स वगैरह वेरीफाई जब हो जाएंगी, फीस वगैरह सब कुछ हो जाएगा, बोर्ड के पास आपकी सारी डिटेल्स चली जाएंगी, तो आप यहाँ पर अपना एप्लीकेशन नंबर जो आपको मिलेगा और रोल नंबर यहाँ फिल करेंगे, प्रोसीड करेंगे। देन अगर आपकी सारी प्रोसेस कम्प्लीट हो गया तो यहाँ पर आपका स्टेटस कम्प्लीट बता देगा। अगर आपको और भी कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है तो यहाँ हेल्पलाइन नंबर्स दिए गए हैं। CBSE का काम बहुत अच्छा होता है, ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, और इसकी जो ऑनलाइन प्रोसेस है जल्दी ही कंप्लीट हो जाती है। टाइमिंग वगैरह मैंने आपको सारी बता दी है, डेट वगैरह, तो लास्ट में इनके हेल्पलाइन नंबर्स है जनरल इन्फॉर्मेशन में, आप यहाँ हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके पूरी हेल्प ले सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर इनके वर्किंग में ही होते हैं, तो यहाँ पर ये जो जनरल इन्फॉर्मेशन दी गई है वेरिफिकेशन की, यहाँ पर आप कॉल करके ये देखिए डिटेल्स दी गई हैं। डिपेंड करता है आप कौन सी स्टेट से हैं, लाइक है चंडीगढ़ के लिए है यहाँ दो कॉन्टैक्ट नंबर दिए हैं, बाकी अदर स्टेट्स के ये कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं। तो फिलहाल जो भी आपकी यहाँ पर स्टेट आती है, लाइक मुझे ये पड़ता है चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ के लिए यहाँ दो कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, तो जो जो आपकी क्वेरी है वहाँ पर कॉल करके भी पता कर सकते हैं, अदरवाइज मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया है। सो फ्रेंड्स, जिन्होंने भी वेरिफिकेशन उसके बाद यहाँ पर रीवैल्यूएशन और ऑब्टेनिंग फोटोकॉपी के लिए अप्लाई करना है, उसकी डेट्स मैंने आपको बता दी हैं, इन डेट्स के बीच में अप्लाई कर दीजिए, बिकॉज CBSE बहुत कम टाइम देता है, लेकिन ये है कि इनकी प्रोसेस काफ़ी जल्दी हो जाती है, इसको करके देखिए। ऑनलाइन प्रोसेस में किसी भी तरह की कोई भी अगर आप प्रॉब्लम फेस करते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप उसका सलूशन ले सकते हैं, और हो सके तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करिए, सो डैट दे ऑल्सो नो द प्रॉपर प्रोसेस कि ये जो उन्होंने डिफरेंट यहाँ चीज़ें करनी है वेरिफिकेशन के लिए, उसके बाद इवेल्युएटेड आंसर बुक के लिए और इवेल्युएशन के लिए, वो कैसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो एंड फॉर योर वैल्युएबल टाइम।